हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जहां हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत दांव पर लगी होती है। ऐसे हालातों का सामना हमें सोच समझकर और सूझबूझ के साथ करना चाहिए। इसी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी गाँव में एक दिन कुश्ती की स्पर्धा का आयोजन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आए। उन पहलवानों में एक पहलवान ऐसा भी था जिसे हराना सबके बस की बात नहीं थी। जाने माने पहलवान भी उसके सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाते थे। स्पर्धा शुरू होने से पहले मुखिया जी आए और बोले कि भाइयों, इस वर्ष के विजेता को हम 3 लाख रुपए इनाम में देंगे। इनाम की राशि बड़ी थी, इससे पहलवान को और जोश आ गया और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। कुश्ती स्पर्धा आरंभ हुई, वहीं पहलवान सभी को बारी बारी से चित करता रहा। जब हट्टे कट्टे पहलवान भी उसके सामने टिक न पाए तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया और उसने वहां मौजूद दर्शकों को भी चुनौती दे डाली। है कोई माइका लाल जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके? वहीं खड़ा एक दुबला पतला व्यक्ति यह कुश्ती देख रहा था। पहलवान की चुनौती सुनकर उसने मैदान में उतरने का निर्णय लिया और पहलवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह देखकर वह पहलवान उस पर हंसने लगा और उसके पास जाकर कहा, तू मुझसे लड़ेगा, होश में तो है ना? तब उस दुबले पतले व्यक्ति ने चतुराई से काम लिया और उस पहलवान के कान में कहा, अरे पहलवान जी, मैं कहाँ आपके सामने टिक पाऊंगा? आप ये कुश्ती हार जाओ, मैं आपको इनाम के सारे पैसे दे दूंगा और साथ में 3 लाख रुपए और दूंगा। आप कल मेरे घर आ जाना और पैसे ले जाना। आपका क्या है, सब जानते हैं कि आप कितने महान हैं, इस बार हारने से आपकी ख्याति कम थोड़ी ना होगी। कुश्ती शुरू होती है। पहलवान कुछ देर लड़ने का नाटक करता है और फिर हार जाता है। यह देखकर सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं और उसकी घोर निंदा करते हैं। अगले दिन वह पहलवान शर्त के पैसे लेने उस दुबले पतले व्यक्ति के घर पहुंच जाता है और 6 लाख रुपये मांगता है। तब वह व्यक्ति बोलता है, भाई किस बात के पैसे दूँ मैं तुम्हें? अरे वह तो तुमने मैदान में मुझसे देने का वादा किया था। पहलवान ने आश्चर्य जताते हुए उससे कहा। तो दुबला पतला व्यक्ति उस पर हंसते हुए बोला, वह तो मैदान की बात थी जहां तुम अपने दांव पेच लगा रहे थे और मैंने अपना लगाया, पर इस बार मेरे दांव पेच तुम पर भारी पड़ गए और मैं जीत गया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि थोड़े से पैसों के लालच में वर्षों के कड़े परिश्रम से कमाई प्रतिष्ठा भी कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाती है और धन से भी हाथ धोना पड़ता है। अतः हमें कभी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।